नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। दो दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आज यानी शुक्रवार 8 दिसंबर से देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में शुरू हो रहा है। उत्तराखंड सीएमओ ने कहा है कि समिट के मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक निवेश में से लेकर एक और रोजगार के नए अवसर सृजन होंगे, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय बनाते हुए इस निवेश को धरातल पर उतारा जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजन होंगे। सीएम ने कहा कि इससे प्रदेश के विकास के अभूतपूर्व गति मिलने के साथ ही यहां के आर्थिक स्थिति को भी नई मजबूती प्राप्त होगी। देश के और विदेश लेकर उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए देवभूमि पधारने वाले सभी निवेश महाअनुभवों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दो दिवसीय इन्वेस्टर समिट के चलते देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में विद्यालय बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। इन्वेस्टर समिट के चलते ट्रैफिक रूट भी बदल दिए गए हैं। ट्रैफिक को दो दिनों के लिए डायवर्ट किया गया है। जिला प्रशासन ने 8 और 9 दिसंबर को देहरादून विकास खंड, सहसपुर डोई वाला और रायपुर और विकासपुर क्षेत्र के अंतर्गत सभी शासकीय अशासकीय निजी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत राज्य सरकार अब तक 3,00,000 करोड़ रुपए की निवेश MOQ पर हस्ताक्षर कर चुकी है। इस समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन UAE का दौरा भी किया था और लोगों को उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया था। देखिए तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से उद्घाटन किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।